हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुपर टेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत आज लेक्चर पहला मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। संख्या पद्धति का टॉपिक वैसे आप देखेंगे, पाठ्यक्रम आप सभी को पता है, इस पाठ्यक्रम में जो आपके सुपर टेट में दिए गए हैं इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये टॉपिक। मैं ये टॉपिक इसलिए शुरुआत में नहीं रख रहा हूँ कि ये मेरे पढ़ाने के हिसाब से सहूलियत है, बल्कि मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मिनिमम 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षाओं में रखे जाते रहे, मतलब पूरे सिलेबस का प्रतिशत हिस्सा देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। अभी ज्यामिति के विस्तार पर जब हम चलेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, लेकिन उसके लिए ज्यादा सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, यहां पर कम से कम पढ़ना पड़ेगा और जो अंक है वो सिक्योर है। संख्या पद्धति के इस टॉपिक में सबसे पहले हमने शुरुआत किया है विभाज्य से। वैसे विभाज्य डिवीजन का जो हेडिंग है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम आपके सिलेबस में स्पष्ट विभाज्य लिखा भी है और विभाज्य कोई छोटा हेडिंग नहीं है। आप देखिए विभाज्य में जो प्रश्न बनेंगे, पहला है भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, और ये मुख्य 3 प्रकार में होता है, जिस पर सूत्र पर प्रश्न, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की कंडीशन रखी हो। तीसरा है योगांतर पर प्रश्न। तो भाग के लंबी विधि पर ये 3 प्रश्न के पैटर्न होंगे, मतलब इस एक हेडिंग में ये 3 छोटे छोटे सेक्शन निकलेंगे। फिर दूसरा आएगा घातांकी भाग पर प्रश्न, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो यहां भी 3 हेडिंग होगा, सूत्र पर प्रश्न, घातांकी योग के भाग पर प्रश्न और शेषफल प्रमेय। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा शेषफल प्रमेय का। वैसे जो सूत्र पर मैंने 2 जगह लिखा है, दोनों में अलग अलग भूमिका है, लेकिन आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको पूरे पार्ट में कहीं याद ही नहीं करना। हाँ, कुछ योग में खासकर वर्गों और घनों के योग पर सूत्र ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कहीं सूत्र याद नहीं करना होगा। तीसरा है विभाज्यता पर प्रश्न, ये शर्त बेस्ड होता है, ये कंडीशन बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, कोई नंबर डेटा दिया होता है और बीच में कहीं अंक एक मिसिंग आउट होता है, वहां स्टार या हैज लगा होता है, फिर पूछा जाता है कि स्टार के हैज पर ऐसा कौन सा न्यूनतम अंक रख दिया जाए कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए या कभी 9 से विभक्त हो जाए, तो ये कंडीशन बेस्ड होता है, वो कंडीशन हम इस हेडिंग में देखेंगे। आगे है भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न, ये 2 टाइप में बनेगा, टाइप ए और टाइप बी। इसके बाद अनुपाती संख्या पर प्रश्न, फिर बात करेंगे योग पर जो प्रश्न होगा, यहाँ पे मुख्य 4 हेडिंग होंगे, एक तो प्राकृतिक संख्या के योग पर, कंडीशन ये भी अभी अलग होगा, दूसरा होगा वर्गों के योग पर, तीसरा होगा घनों के योग पर और चौथा भिन्नात्मक योग पर प्रश्न। और भिन्नात्मक योग में कुल 4 टाइप होंगे, ए बी सी और डी। इकाई का अंक ज्ञात करना, ये भी एक महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसमें देखिए ये महत्वपूर्ण हेडिंग है, बराबर इनसे प्रश्न बनते हैं, जिसमें 2 मुख्य सेक्शन पढ़ना है, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना और दूसरा घात के इकाई का अंक ज्ञात करना, ये 2 हेडिंग होंगे। आगे गुणनखंड फैक्टराइजेशन, यहाँ पर 3 हेडिंग होंगे, पहला कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, दूसरा कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, तीसरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो गुणनखंड में 3 हेडिंग बनेंगे। उसके बाद सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर से जो प्रश्न बनते हैं, लॉजिकल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हस्त मिलापों से प्रश्न, ये भी मेंटल एबिलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता और संख्याओं का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ नंबर्स, ये भी महत्वपूर्ण हेडिंग है। थ्योरेटिकल प्रश्न, 1 प्रश्न यहाँ से संभावित होता है, और अंकों से संख्या बनाना। तो देखा जाए हेडिंग इसमें ज्यादा है, क्रमबद्ध तरीके से हम सभी का इन सभी का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला हेडिंग जो मैंने किया है विभाज्य से, चलिए यहां से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो विभाज्य का क्रम जो है, मैंने जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग इसमें कुल अलग अलग टाइप में जाएंगे तो 9 टाइप के प्रश्न होंगे, हालांकि यहाँ पे मुख्य 4 ही प्रकार है, लेकिन अलग अलग सेक्शन आप देखें तो उसमें कुल 9 टाइप के प्रश्न है, एक अनिवार्य हिस्सा है।
भाग के लंबी विधि पर प्रश्न इसका पहला हेडिंग है, यहीं से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा। देखिए भाग के लंबी विधि पर आपने अभी देखा, इसमें हमने कहा कि तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसका जो पहला टाइप है वो है सूत्र पर प्रश्न। अच्छा, यहां पर ऐसा सूत्र नहीं होगा कि जिनसे आप परिचित ना हो। अच्छा, एक चीज देखें, यहां पर व्यवहारिक सेंस में देखें, जैसे जब मैंने 39 में 7 से भाग दिया तो 7 से 5 बार में 35 हुआ और शेषफल कितना बचा? 4। भाग देने की इस विधि को ही हम लंबी विधि के नाम से जानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कितना लंबी होता है ये भाग देने की जो प्रक्रिया होती है, इस विधि को हम लंबी विधि के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक सेंस आप बताइए, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये अंदर कोई संख्या है, मान लिया ये नहीं पता है ये अंदर कौन सी संख्या है, नहीं पता है, और मैं आपसे कहूं कि इस किसी संख्या में जब मैं 7 से भाग देता हूं तो भागफल 5 आता है और शेषफल 4 बचता है, तो बताइए मैंने कौन सी संख्या में भाग दिया। मान लिया अंदर की संख्या अदिश हो जाए, अज्ञात हो जाए, और मैं आपसे पूछूं कि ये कोई संख्या है और जब इस संख्या में मैं 7 से भाग देता हूं तो भागफल 5 आता है, शेषफल 4 बचता है, तो ये अंदर कौन सी संख्या है, कैसे आप बताएंगे? आप ये कहेंगे कि बाहर का गुणा इधर, बाहर गुणा कर लीजिए, 7 का गुणा 5 में 35 और जितना शेषफल है जोड़ लीजिए, तो बाहर का गुणा बाहर 7 पंचे 35 और 4 39, ऐसे ही बताएंगे ना। चलिए अब ये बताइए कि भाग देने की प्रक्रिया में जो संख्या अंदर होती है, जैसे 39 अंदर है, मतलब जिस संख्या में भाग दिया जाता है हम उसको क्या पढ़ते हैं? भाज्य। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। और जितनी बार आ जाए वो होता है भागफल। इंग्लिश में हम बोलते हैं कोसेंट। और जो भी कुछ रह जाए उसको हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। यही बोलते हैं ना। चलिए अच्छा बताइए, जब हमने आपसे पूछा कि अंदर कौन सी संख्या थी तो आपने कहा बाहर का गुणा बाहर कर लीजिए और शेषफल को जोड़ लीजिए। जैसे मान लिया हमें ये अंदर की संख्या निकालनी है, मतलब भाज्य निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए? जैसे ये अंदर की संख्या हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य हम कैसे निकालेंगे? अंदर की संख्या ये बाहर का गुणा बाहर गुणा करेंगे, मतलब भाजक का गुणा किसमें? भागफल में। भाजक का गुणा किसमें करेंगे? भागफल में। और जोड़ लेंगे किसको? जो शेषफल बचा है उसको। यही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यही सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र से आप परिचित हैं, आप पहले से भी पढ़ रहे हैं, तो यहां कोई नया सूत्र नहीं था जिसके बारे में हम परिचित ना हो। तो ध्यान से समझिएगा, जब भाग के लंबी विधि पर प्रश्न बनेगा तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, इनमें हमें संबंध रखना होता है। अब जैसे इसमें मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, हमने प्रश्न ये लिया, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न हमने लिया कि 2907 में कौन सी संख्या से भाग दें, कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेषफल 3 बचे। चलिए मैंने ये प्रश्न लिखा कि 2907 है और 2907 में कौन सी संख्या से भाग दे। अच्छा, जिसमें भाग दिया जाता है वो संख्या बीच में रखी जाती है, मतलब अंदर रखी जाती है, जिसको भाज्य पढ़ते हैं।
जैसे हमने आपसे कहा 39 में 7 से भाग देने पर, तो 39 में जब भाग देंगे तो 39 कहां रखेंगे, बीच में, मतलब भाज्य के स्थान पे। तो यहां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा बगल में हिंट बना लेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा। जैसे प्रश्न ये कहा है कि 2907 में 2907 में 2907 में कौन सी संख्या से भाग दे, मतलब 2907 में कौन सी संख्या से भाग दे, हमने मान लिया भागफल x है, क्योंकि 2907 में किस से भाग दे नहीं पता है, कि भागफल 121 आ जाए और शेषफल कितना बच जाए 3, यही प्रश्न हमसे पूछा है। 2907 में किस से भाग दे कि भागफल 121 आ जाए और शेषफल कितना बच जाए 3, मतलब हमें क्या नहीं पता है, भाजक नहीं पता है। तो अब देखिए हमें भाज्य पता है, भागफल पता है, शेष पता है, भाज्य निकालना है। अब आप समझ गए इस सूत्र का हम प्रयोग करें तो देखिए सूत्र क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, अंदर जो संख्या होता है वो भाज्य होता है, तो भाज्य है 2907। अब भाज्य बराबर क्या होता है, ये 2907 भाज्य है, ये भाज्य कैसे पता चलेगा, भाजक का गुणा करेंगे भागफल में। तो भाजक x है गुणा भागफल 121, तो भाजक x और गुणा भागफल 121 और प्लस शेषफल 3 है। बस यही आपको हल करना है, एक लाइन का सवाल था। भाज्य 2907 है बराबर भाजक नहीं पता है, x हमने माना है, और भाजक गुणा भागफल x गुणा 121 और प्लस शेषफल 3 है। बस आप 3 इधर पक्षांतर कर लीजिए, माइनस हो जाएगा, तो प्लस 3 यहां माइनस हो जाएगा, तो 2907 में 3 घटेगा तो 2904 बराबर कितना, x गुणा 121। अब ध्यान देना x बराबर निकालना है तो 121 गुणा हो रहा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग होगा, तो 2904 है और गुणा 121 यहां आएगा तो भाग हो जाएगा, ये बराबर कितना x, तो 121 दुना कितना 242। अब घटाएंगे तो 42 8 50 48 484 आएगा, और ये चार बार में कट जाएगा, मतलब किससे भाग दे 24 से। यदि 2907 में आप 24 से भाग करेंगे तो भागफल 121 आएगा और शेषफल 3। देखिए कितना छोटा सवाल था, ऐसे प्रश्न में बगल में हिंट बना लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, प्रश्न को केयरफुली पढ़े और आप देख लिया करिए क्या क्या दिया है। चलिए मैं इस पर एक प्रश्न और बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक प्रश्न में और बना रहा हूं, इसको साइड में समझते चलिएगा। जैसे हमने प्रश्न लिया दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। आगे हमने लिखा जब जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है, तो दोनों संख्याएं बताइए। देखिए बेशक प्रश्न पढ़ने में बड़ा है, आप सोचेंगे पहले ही क्लास से इतने बड़े सवाल, तो ये बड़े सवाल पर नहीं जाना,
सेंस समझिएगा, बहुत ही छोटा कैलकुलेशन है और इस तरीके के प्रश्न बराबर बनते हैं, आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। देखिए पहले तो मैं अभी प्रश्न हल करूंगा, लेकिन एक व्यवहारिक सेंस में आप हमें अभी फिलहाल उत्तर देंगे। जैसे बात समझ, अभी मैं प्रश्न पर नहीं आ रहा हूं, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं में अंतर 10 का है, डिफरेंस कितना है 10। प्रैक्टिकली सोचिएगा, हमने आपसे कहा कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, फर्क है, जो अंतर है वो 10 का है, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 10। अब मैं आपसे कह दूं कि दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो मान लिया 25 है, छोटी संख्या 25 है, तो अब हमें आप बताएंगे कि बड़ी संख्या क्या होगी, बताइए। हमने आपसे क्या कहा कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्या में कितने का फर्क है, कितने का अंतर है 10 का, और दोनों संख्या में जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या 25 है, अब आप बताइए हमें कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि जब छोटी संख्या 25 है तो बड़ी संख्या 25 से ज्यादा ही होगी। जैसे जब छोटी संख्या 25 है तो बड़ी संख्या तो 25 से ज्यादा ही होगी, कितना ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा होगी जितना उन दोनों संख्याओं में अंतर है, तो दोनों संख्याओं में अंतर 10 है, तो जब छोटी संख्या 25 है तो बड़ी संख्या 10 ज्यादा होगी, मतलब कितना होगा 35। सिंपल सी बात है, व्यवहारिक है, छोटी संख्या 25 है तो बड़ी संख्या तो 25 से ज्यादा होगी, कितना, जितना दोनों में अंतर है 10, तो बड़ी संख्या 25 से 10 ज्यादा होगी, मीन्स 35 होगी। अब आप हमें बताएं, यहां पर दो संख्याएं हैं और अंतर 1365 है, हमें दोनों संख्या नहीं पता। जैसे यदि हम मान ले, हमने मान लिया छोटी संख्या x है, हमने मान लिया कि जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या कितना है x, अब हमें आप बताएं कि बड़ी संख्या क्या होगी, बताइए। जब छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x से ज्यादा ही होगी, कितना ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा होगी जितना उन दोनों संख्याओं में अंतर है, और दोनों में अंतर 1365 है, तो जब छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x से ज्यादा होगी, कितना ज्यादा होगी 1365, यही होगी ना। अब आप देखें, हमने प्रश्न में जो लिखा है उसको केयरफुली समझिएगा, हमने प्रश्न लिखा है जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब किसमें भाग दिया जाता है, बड़ी संख्या में, मतलब किसमें x प्लस 1365 में, ये बगल में संकेत बना लीजिए, हमें किसमें भाग देना है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब किसमें भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में, और बड़ी संख्या कितना है x प्लस 1365, तो बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है किससे, छोटी संख्या से, और छोटी संख्या कितनी है x, तो जब बड़ी वाली संख्या में इस छोटी संख्या x से भाग देते हैं तो भागफल 7 आता है और शेषफल कितना आता है 15। अब सारी जानकारी पता हो गया, अंदर की संख्या भाज्य कहलाएगी, जिससे भाग दिए हैं भाजक कहलाएगा, जितनी बार गया है भागफल और जितना ये बचा है शेषफल। अब सारी जानकारियां उठा के इस सूत्र में रख दीजिए, तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र लिखता है, सूत्र कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कहां होता है, अंदर, तो भाज्य कितना है x प्लस 1365। तो सूत्र से आप समझिएगा, सूत्र ये कहता है कि भाज्य बराबर, और भाज्य कितना है x प्लस 1365, यही भाज्य है ना, ये भाज्य ये है x प्लस 1365। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक का गुणा भागफल में, बाहर का गुणा बाहर, तो भाजक x है और गुणा भागफल 7 है, तो x का गुणा 7 में कितना हो गया 7x, और प्लस शेष, और शेष कितना है 15। बस यही हल कर लेना है, उत्तर आ गया। बहुत छोटा सवाल है, छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x प्लस 1365 होगी, जब बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या x से भाग देते हैं तो भागफल 7 और शेषफल 15, यही सूत्र में रखा, तो ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल x का गुणा 7 में 7x, और प्लस शेष कितना, अब यही हल करना है, x का मान निकालना है,
तो यक्ष को यक्ष के पास कर दीजिए और संख्या को संख्या के पास, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, 1365 यहां पे है, अब प्लस 15 जब बाईं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 15 को बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे संख्या को संख्या के पास, तो 1365 में ये 15 घटेगा तो 1350 हो गया बराबर, ये x उधर जाएगा तो घटेगा, तो 7x में 1x माइनस होगा तो कितना आएगा 6x। देखिए 1365 में जब ये 15 घटेगा 1350, यक्ष वहां माइनस हो गया, 7x में x घटा तो 6x। अब x कैसे निकालेंगे, 6 गुणा हो रहा है बाईं तरफ आएगा तो भाग, 1350 में 6 से भाग कर दीजिए, यही x हो गया, तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 दुना 12, 1 बचा 15, 6 दुना 12, 3 बचा 30, 6 पंचे, तो x का मान 225 हो गया। ये कैसी संख्या है, ये छोटी संख्या है, हमें दोनों संख्याएं बतानी है, तो छोटी संख्या 225 हो गई, तो बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 1365, और x का मान 225 है, तो 225 प्लस 1365 बराबर 1590, यही दोनों संख्या है, 225 और 1590, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको ये सेंस देखना है कि सेंस कह क्या रहा है, एक एक जानकारी दिया गया होता है, उसी जानकारी के आधार पे हमें हल करना होता है। तो सूत्र के प्रश्न, अब आप कहेंगे कोई ट्रिक नहीं है क्या, ये प्रश्न हमारे सामने उठता है, तो ये स्टेटमेंट वाले सवाल है, और स्टेटमेंट का ट्रिक नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है और सारी जानकारी दिया है, बस उसी सारी जानकारी को यहाँ पर रखना है। हाँ, आगे कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है, मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन स्टेटमेंट वाले सवाल को ध्यान देना। जैसे जब भाग के लंबी विधि में जब दूसरा टाइप देखेंगे, जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो, वो इतना आसान होता है कि पेपर पेंसिल की भी जरूरत नहीं होती। अब उसकी अभी चर्चा मैं जस्ट कर रहा हूं, तो वो एक अपने आप में यूनिक होगा, बेसिक होगा। पहले फिलहाल एक प्रश्न मैं इस सीरीज में और लूंगा जो सूत्र पर प्रश्न है। मैं जितने प्रश्न ले रहा हूं थोड़ा थोड़ा सेंस बदल दे रहा हूं, ताकि आप हर लैंग्वेज का प्रश्न समझ सके। एक प्रश्न मैं और ले रहा हूं, इसके भी प्रकृति को आप समझिएगा। बाकी अभी जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ेगा तो आप पक्षांतर के ये सब सारे नियम बेटर समझ लेंगे, आप ये आसानी से समझते चलेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो अभी आप उसके बारे में कुछ सोचिएगा नहीं। चलिए एक प्रश्न मैं और लिख रहा हूं। हमने प्रश्न लिखा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक कॉमा भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। चलिए देखिए, प्रश्न बेहद सिंपल है। देखिए मैं इसका तीसरा प्रश्न लिख रहा हूं, और तीनों प्रश्न में मैंने माइनर लैंग्वेज चेंज किया है, ताकि आप हर लैंग्वेज के प्रश्न को समझ सकें। एक चीज समझिएगा, गणित में कहीं भी कॉमा लगा हो उसका मतलब बराबर होता है। ये बात बिल्कुल माइंड में रखिएगा, अभी आगे न जाने कितनी बार इस सेंस का प्रयोग होगा। गणित में कहीं भी कॉमा लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे भाग के एक प्रश्न में, भाग का कोई प्रश्न है और उस प्रश्न में जो भाजक है ये बराबर है, कॉमा का मतलब बराबर, भाजक जो है ये बराबर है, किसके बराबर है, भागफल के 5 गुने के। ये भाजक किसके बराबर है, भागफल के कितने गुने के, 5 गुने के। ये पहली जानकारी होगी, पहले जानकारियां कलेक्ट करना, ये भाजक किसके बराबर है, कॉमा का मतलब बराबर होता है, तो भाजक जो है बराबर है किसके, भागफल के 5 गुने के, तथा शेषफल का 4 गुना है। कौन शेषफल का 4 गुना है, यही भाजक, ये जो भाजक है
ये भाजक भागफल का तो 5 गुना है, लेकिन यही भाजक जो है वो शेषफल का 4 गुना है। ये जो भाजक है यही भाजक किसके बराबर है? शेषफल के कितने गुने के? 4 गुने के। बात समझना, ये जो भाजक है बराबर है भागफल के 5 गुने के, तथा शेषफल का 4 गुना है। कौन शेषफल का 4 गुना है? यही भाजक शेषफल का 4 गुना है। और शेषफल 40 है। बस कितना आसान था, ये शेषफल 40 है तो शेषफल के स्थान पर 40 रखेंगे तो 40 का 4 गुना 160 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? भाजक का मान पता हो गया 160। और जब भाजक का मान 160 आ गया तो समीकरण एक में यही मान रख दीजिए। यह मान हम कहां रख दें? समीकरण एक में। तो समीकरण एक क्या कह रहा है कि भाजक बराबर है भागफल के 5 गुने के। अब भाजक का मान पता है 160, तो बाएं पक्ष में जहां भाजक लिखा है समीकरण एक में, इस भाजक के स्थान पर हम कितना रख दें? 160 बराबर भागफल गुणा 5। देखिए कितना आसान है। अब आप बात समझ रहे हैं, भागफल का मान निकालना है तो गुणा 5 बाईं तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 5 3 15, 1 बचा 5 2 10, 32 बार में कट गया। कैसे? गुणा 5 यहां भाग होगा तो 160 में 5 से भाग करेंगे 32 बार में। अब भाजक 160 आ गया, भागफल 32 आ गया, और शेषफल दिया ही है 40। तो भाजक भी पता हो गया, भागफल भी पता हो गया, शेष भी पता है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है भाज्य बताइए। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाजक अभी अभी आया, भाजक शेष का 4 गुना था, तो 40 का 4 गुना 160, और गुणा भागफल कितना है? 32, और प्लस शेष, और शेष कितना है? तो यही 16 का गुणा, जब 32 में हम गुणा करेंगे तो ये 2 6 12 हासिल लगा, 1 2 1 का 2, 6 3 18 2 20, 21 2 3 1 का 3 2, 512, मतलब 5120 हो गया। ये गुणा करेंगे 5120 और 40, 5100 कितना? यही उत्तर हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान सेक्शन था, मैंने 3 प्रश्न रखे तीनों के लैंग्वेज चेंज करके। हालांकि सूत्र वाला जो प्रश्न है इसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं और स्टेटमेंट के आधार पे हमें हल करना होता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक इसके बारे में नहीं पूछना, इसमें जैसा निर्देश दिया हो वैसा हल करना। मैंने अभी आपसे कहा कि जब मैं इसका दूसरा हेडिंग रखूंगा, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, तो उसका शॉर्ट मेथड आप खुद ही निकाल सकते हैं, और इतना शॉर्ट होगा कि हमें केवल एक लाइन में, मतलब वो भी पेपर पेंसिल की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उत्तर कर लेंगे। तो ये जो दूसरा हेडिंग अभी होने को होगा, यहां पर भाग के लंबी विधि पर जो दूसरा टाइप होगा, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें डबल पैटर्न के प्रश्न बनते हैं और दोनों पैटर्न को समझाऊंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में इसे बताएंगे और गारंटेड इतना आसान लगेगा आपको ये सेक्शन, केवल आप एक बार रिपीट करके देख लेना, अगला लेक्चर बहुत ही सामान्य लगने वाला है। आज की क्लास में बस इतना ही रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।